नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल निवेदिता समल में। आज आप सबके लिए गोभी और मूंग दाल को लेके बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाई हूँ। विंटर सीजन में ये रेसिपी आप घर में बनाइए, होप आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक गोभी, एक टमाटर, दो आलू और ये जो मूंग दाल है, ये घर का मूंग दाल है। इसको मैं फ्राइड मूंग दाल, इसको ऑलरेडी धो के वॉश करके मैं 1 घंटे पहले सोख करके देन छान के रखी हूँ। ये जो रेसिपी है मैं कढ़ाई में बनाऊंगी, आप चाहो तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, इसमें और भी बढ़िया बनेगा। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल कूट करूंगी। तेल अब गर्म हो गया है, इसमें ऑनियन अब मैं ऐड करूंगी। एक बड़ा सा ऑनियन लेके इसको इस तरह से फाइन चॉप करके रखी हूँ, देन इसको ऐड करना है और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें मैं एक ही हरी मिर्च ले रखी हूँ, आप अपने हिसाब से जितना आपको लाल मिर्च या हरी मिर्च जो भी पसंद है अपने अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना तीखा पसंद करते हो खाने में। यह फ्राई हो गया है, अब इसमें मैं अब अदरक और लहसुन के पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लगभग 2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको हम बढ़िया से भून लेंगे इस तरह से। हल्दी 1 चम्मच, ये सबको बढ़िया से मिक्स करके हम बढ़िया से फ्राई करना है इसको। मसाला फ्राई हो गया है, इसमें एक बड़ा सा टोमेटो इसको इस तरह चॉप करके मैं इसमें पुट करूंगी। इसको भी इसमें मिक्स करके थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। देन इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट पुट करेंगे। बढ़िया से मिक्स करके जो टमाटो ऑलरेडी कुक हो गया होगा इसको हम इस तरह अच्छी से अच्छी की मदद से इस तरह प्रेस करके मिक्स कर देंगे। यानी इस तरह हम थोड़ी देर इसको कवर कर देंगे। अब लिड को ओपन करके हम चेक करेंगे। देखिए टमाटो बढ़िया से कुक हो गया है और मसाला भी बढ़िया से भुन चुका है। अब इसी स्टेज में मैं कुछ मसाला ऐड कर रही हूँ, जैसे जीरा और धनिया के पाउडर। ये भुना हुआ जीरा और धनिया के पाउडर है। देन मूंग दाल को, जो 1 बोल मूंग दाल में ले रखी थी, इसको मैं कूट करूंगी। इसमें थोड़ी देर हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। देन गोभी, आलू को इस तरह से हम कट करके इसमें पुट करेंगे और सबको कच्ची की मदद से बढ़िया से हम मिक्स करेंगे। देन इस तरह हम लेड को बंद कर देंगे और इस तरह इसको हम इस तरह 10 to 15 मिनट जैसे छोड़ देंगे। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, बीच बीच में हम चेक करेंगे, चलाएंगे। सारे वेजिटेबल और दाल बढ़िया से ये फ्राई हो गए हैं मसाला के साथ। अब इसी स्टेज में मैं पानी ऐड करूंगी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, आपको जितना गाढ़ा या पतला चाहिए ग्रेवी उसी हिसाब से। अब लिड को मैं बंद कर दूंगी जब तक सारे वेजिटेबल्स और दाल कुक ना हो जाए। इस तरह देखिए मैं मिनिमम 10 मिनट इस तरह छोड़ी थी लिड बंद करके। अब मैं चेक करूंगी आलू को फर्स्ट, क्योंकि गोभी तो जल्दी इसमें कुक हो जाता है। आलू चेक करेंगे, आलू भी हो रखा है और थोड़ी देर इस तरह से मैं कुक होने के लिए रखूंगी गैस में। अब इस स्टेज में मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं धनिया के पत्ते ऐड कर दूंगी, उसको फाइन चॉप करके रखी थी।
धनिया पत्ता ऐड करने के बाद और थोड़ी देर में इसको कुक होने के लिए इस तरह से लिड बंद करके रखूंगी। देखिए अब मूंग दाल और गोभी अब बनके रेडी है। अब इसी प्रोसेस से अपने घर में ट्राई कीजिए और इस विंटर सीजन होप आपको ये अच्छा लगेगा, तो कमेंट में मुझे लिखिए। सो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।